जिक्र उस ऐतिहासिक घटना का हम करने जा रहे हैं जिसे इतिहास में तो याद रखा गया लेकिन उस घटना में जान न्योछावर करने वाले आजादी के परवानों को भुला दिया गया। 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा घटना की शौर्य गाथा। इस देश की मिट्टी में नमी यूं ही नहीं है, कई बच्चों ने लिखी है लहू से शौर्य की कहानी, पराधीनता से स्वाधीनता के स्वप्न के साकार होने की कहानी कई पृष्ठों में अंकित है और इसका हर पृष्ठ शौर्यता को बयां करता है, बताता है आंदोलन के हर एक दौर को, उस दौर में संघर्ष की गाथा, हर तारीख देती है गवाही कि हिंद के कई लार हो गए कुर्बान आजादी की खातिर। ऐसी एक तारीख है 4 फरवरी की और बरस 1922 जब गोरखपुर से सटे चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर एक देशवासी के लहू में उबाल ला दिया। दरअसल गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश असहयोग आंदोलन के साथ हो गया था, नरम दल वाले हो या फिर गरम दल वाले सब इस आंदोलन के साथ थे। लेकिन इस आंदोलन में तब नया मोड़ आया जब चौरी चौरा में एक बड़ी घटना हो गई। 2 फरवरी 1922 को हुई शुरुआत चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन चल रहा था, शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। चौरी चौरा के अंदर 2 फरवरी को एक भगवान अहिर नाम का एक व्यक्ति होता है, रिटायर्ड आर्मी आदमी का होता है, उसके नेतृत्व में एक डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा होता है चौरी चौरा के अंदर। वो दो ऐसे डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एक तो मतलब महंगाई की वजह से करते हैं, खाने की चीज़ों की महंगाई हो जाती, दूसरी मार्केट के बीच में शराब की दुकान थी तो उसको वो चाहते थे घेर के, उसको हाथ हटवा दिया है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर करते हैं 2 फरवरी को। वो जब इसको करते हैं तो पुलिस जो होती है वो पुलिस उनके ऊपर कहना चाहिए मतलब जोर आजमाती है और उनके कई काफ़ी लोगों को बंद कर देती उठा के, जिससे कि चौरी चौरा के अंदर जन साधारण के आक्रोश बढ़ जाता है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से नाराज लोग थाने को घेर लेते हैं और फिर हुई एक घटना। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का लोगों ने विरोध किया, लोगों ने प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के लिए थाने को घेर लिया, पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान गोली चला दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि ये लोग प्लान करके 4 फरवरी को 4th of February 1922 को यानी 2 दिन के बाद में करीब 2,500 का मॉब जो होता है वो फिर से प्रोटेस्ट करता है कि हमारे आदमी क्यों आपने अरेस्ट कर लिया। तो इसके लिए जब चौरी चौरा पे पहुंचते हैं तो वहां पर जो इंडियन सब इंस्पेक्टर होता है पुलिस का, वो क्या करता है कि वो पहले इन लोगों को जैसा होता है। वाकई ऐतिहासिक दिन है और आज कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, वर्चुअली जुड़ना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। गोरखपुर चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने के मौके पर आज शताब्दी समारोह का आगाज है, आज से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आगाज हो रहा है। गोरखपुर की इस घटना को आज हर कोई याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वर्चुअली शुभारंभ करने वाले हैं। समारोह के दौरान सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे। सामूहिक वंदे मातरम गान से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, सुबह 10 बजे सामूहिक वंदे मातरम से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सभी 75 जिलों में चौरी चौरा कांड पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, आज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी यूपी सरकार। दरअसल शताब्दी समारोह के उद्घाटन से पहले पूरे प्रदेश में 10 बजे सामूहिक वंदे मातरम गाया जाएगा। और इन खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव मैं अभी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं नीरज के पास जाना चाहता हूं। नीरज, गोरखपुर में क्या तैयारियां हैं? देखिए राजीव, बता दें कि जो भव्य पांडाल है वो सज कर तैयार है और यहाँ पर ठीक 10 बजे वंदे मातरम का गान होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पूरे यूपी में ये आयोजन किया जा रहा है और एक तरह से कहा जाए तो जो 4 फरवरी 1922 के बाद जो 100 साल पूरे हो रहे हैं उसका शुभारंभ हो रहा है और वर्ष भर यहाँ पर कार्यक्रम चलने हैं। और आज का दिन जिन क्रांतिकारियों ने शहादत अपनी दी थी उनको याद करने का दिन है। पूरा देश ही नहीं दुनिया में जो भारत के लोग हैं वो
शहीदों को याद करेंगे और वर्ष भर तक चौरी चौरा में इसी तरह का आयोजन होता रहेगा और भारी सुरक्षा के बीच ये आयोजन आज शुभारंभ होना है और ड्रोन से इसकी निगरानी भी की जानी है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इस दिन एक चौरी चौरा पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे और इसके बाद ये वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहेंगे। राजीव, बिल्कुल, तो 125 साल है, वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहेंगे और रुक करेंगे अनुभव शुक्ला का हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव, बताइएगा किस तरह की तैयारियां हैं चौरी चौरा को लेकर। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, सामूहिक वंदे मातरम गान गाया जाएगा सभी जगह, उसके वीडियोज भी अपलोड करने होंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल, आज चौरी चौरा, हम कहें तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की शुरुआत हो रही है और पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम होंगे। केवल चौरी चौरा या गोरखपुर में नहीं बल्कि हर जगह उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा। वाराणसी की बात कर लीजिए, बिठूर की बात कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए और ऐसे सभी जगह जहाँ पर शहीद, हम कहें तो उनसे जुड़ा हुआ कोई इतिहास है, कोई स्मारक है, वहाँ पर ये कार्यक्रम होंगे। और एक आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यूपी सरकार बनाने की तैयारी में है। दरअसल अभी तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना के नाम पर है कि इस तरह का कोई भी सामूहिक कार्यक्रम का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा चाइना ने एक कार्यक्रम का अपलोड किया है, तकरीबन उसकी संख्या 10,500 है। लेकिन यूपी सरकार की तैयारी है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए और जब सुबह 10 बजेंगे तो हर जगह जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी स्कूल खुले हुए हैं या फिर हम कहें जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सभी जगहों पर लोग सामूहिक वंदे मातरम करेंगे और उसका वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि ये वीडियो जो है वो कल तक ही तकरीबन 22,000 से ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उसकी आज जो हम कहें तो आधिकारिक घोषणा है वो आज होगी जब मुख्यमंत्री खुद वहाँ चौरी चौरा में वंदे मातरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर इसका आयोजन आज किया जा रहा है।